भाई के लल्लू पुलिसमैन है, इतना इम्पोर्टेंट डिस्कस चल रहा है, 10 मिनट से हम बैठे हुए हैं और ये लैपटॉप में गेम खेल रहा है। ये मुझे सब सुनाई दे रहा है, मतलब ये बेशरम भी है। ए मोटे, पहले तू बता तू क्या कर रहा है। अंकल जी मैं तो UPSC क्लियर कर रहा हूँ। तुझे देख के साफ पता चल रहा है तू जेब से छुपा छुपा के छोले खा रहा है। छोले बोलू बकवास सवाल का जवाब नहीं देता। मोटे भद्दे, तुझे किसी ने सिखाया नहीं स्कूल में बाहर के खाना अलाउड नहीं है। अखले कहाँ मैं बाहर का खा रहा हूँ रे, मैं तो पॉकेट के अंदर से निकाल के ही खा रहा हूँ। बदतमीजी बदतमीजी हमारे साथ। सर शुरू किसने किया था? ठीक है चलो बयान पे आते हैं, पहले पर्सनल डिटेल के बारे में बात करेंगे। तो बताओ तुम लोग कहाँ रहते हो? सर जी मैं बोलूंगा। हाँ, बोलो। मैं अपने मम्मी पापा के साथ रहता हूँ। क्या मम्मी पापा के साथ? ठीक है तो बताओ तुम्हारे मम्मी पापा किधर रहते हैं? सर जी मेरे साथ। मतलब तुम अपने मम्मी पापा के साथ रहते हो? हाँ जी। और तुम्हारे मम्मी पापा तुम्हारे साथ? बराबर। पर तुम तीनों किधर रहते हो? सर हम पड़ोसी के साइड में रहते हैं। अरे ये बच्चा मुझे पागल कर देगा, आखिरी बार के लिए कह रहा हूँ, तुम्हारा पड़ोसी कहाँ रहता है? सर जी आप मारोगे तो नहीं? नहीं मारूंगा, इस बच्चे बता दे। हमारा साइड में ही रहता है। छोड़ो पर्सनल डिटेल की कोई जरूरत नहीं है, पहले बताओ तुम लोग 29 तारीख को क्या कर रहे थे? सर जी परसों आपने क्या खाया? परसों तो याद नहीं। तो 29 तारीख हमें खा के याद रहेगा, किसने इसे पुलिस बना बनाया? बराबर बात बराबर। तो ठीक है लेकिन मैं अभी भी पूछ रहा हूँ हमने किया क्या है? बेटे काम ऐसे करो कि टीवी पे आओ, CCTV पे नहीं। देखो ये दोनों कौन है? अरे ये दोनों फिल्म स्टार जैसे लड़के कौन है? ये मोटा लड़का तो बड़ा क्यूट है, लड़कियां तो नशे काट रही होंगे घर में इसके लिए। साइड में नीले बाल वाले को देख, इतना स्टाइलिश लग रहा है, एकदम गैंगस्टर माफी। अरे गधो ये तुम दोनों ही हो। एग्जैक्टली हम हमारी ही बात कर रहे थे। तो अब तुम लोग ये भी बता दो कि तुम लोग यहाँ क्या कर रहे थे? राजेंद्र नगर में जो सुभाष चंद्र बोस की मूर्ति है उसके साइड में एक पतली सी गली निकलती है। हाँ हाँ उसके एकदम टॉप में एक मोमो की दुकान है। हाँ है। एक मिनट वेट, अब ये मत कहना कि मोमो खिला दो फिर बयान दोगे। क्या फिर? आप मुझे तो गलत समझते हो, मैं नहीं बोलूंगा। अरे सॉरी बेटा बोलो। हाँ तो उस मोमो के दुकान के अगले ही गली में दाहिने साइड में कचौरी का दुकान है। हाँ हाँ तो कचौरी खिला दो फिर मैं बयान दे देता हूँ। दोपहर में कौन मोमो खाएगा? बच्चे अब तू अपना मुंह मत खोलना, इस बच्चे से तो वैसे उम्मीद नहीं थी। बेटा तू ही मेरा लास्ट ऑप्शन है, बता दे तेरी भलाई के लिए ही कह रहा हूँ। सर उस दिन कुछ अजीब हुआ था। ये हुई ना बात, देख मोटे ऐसे देते हैं बयान। एक अजीब सा इंसान है जिसे मैंने शायद कभी नहीं देखा। हाँ तब उसके हाथ में एक चाकू था। क्या? पहले मैंने सोचा शायद वो किसी दूसरे की तलाश में है। धीरे धीरे मैंने देखा वो मेरे करीब आ रहा था। हाँ फिर वो मेरे करीब आता गया। हाँ फिर उसने उसी चाकू से मुझे घच 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 और कहानी खत्म। क्या तुम मर गए? एक मिनट वेट, लेकिन तुम तो जिंदा हो। अरे सर तभी मेरा नींद टूट गया।